अजय देवगन की फिल्म तानाजी को देश की सबसे बड़ी फिल्म क्यों माना जा रहा है? तानाजी की कहानी क्या है? फिल्म में हमें क्या क्या दिखने वाला है? इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले ओम राउत की पृष्ठभूमि क्या है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। 20 जुलाई 2017 को अजय देवगन ने एक पोस्टर ट्वीट करते हुए एक फिल्म अनाउंस की थी, मराठी योद्धा तानाजी मालुसरे की बायोपिक, जिसका नाम होगा तानाजी द अनसंग वॉरियर, मतलब ऐसा योद्धा जिसकी कहानी कभी बताई नहीं गई है। ये सिवाय से बहुत बड़ी फिल्म है। इस फिल्म की सेट की तस्वीरें देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बाहुबली से बड़ी फिल्म होगी। अजय देवगन के साथ इस फिल्म में बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार काम कर रहे हैं। एक्साइटमेंट थामो और फिल्म की सारी डिटेल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सांसें थाम कर सुनते जाइए। तानाजी की कहानी क्या थी? तानाजी मराठी योद्धा और खुद एक सेलिब्रेटेड योद्धा रहे छत्रपति शिवाजी के विश्वास पात्र थे। इन्होंने साथ में कई लड़ाइयां लड़ी थी। तानाजी अपने बेटे की शादी की तैयारियों में लगे हुए, इतने में संदेश मिला कि शिवाजी मिलना चाहते। पहुंचने पर पता चला कि छत्रपति पुणे के नजदीक मुगलों के राज वाले फोर्ट पर चढ़ाई करने का प्लान बना रहे। तानाजी ने न सिर्फ छत्रपति के इस कदम को अप्रिशिएट किया, अपने बेटे की शादी वादी छोड़कर वो खुद इस मिशन को लीड करने के लिए तैयार हो गए। फोर्ट मुगलों द्वारा अपॉइंटेड भारतीय योद्धा उदयवान राठौर संभाल रहे थे। एक तो किला पहले से ही बिल्कुल सीधा बना हुआ था, ऊपर से राठौर सेफ्टी सिक्योरिटी का भी बहुत ध्यान रखते थे। उस किले में बिना अनुमति के इंसानों का घुस पाना संभव नहीं था। तानाजी के पास एक पालतू घोरपड़ था। इसे अपनी भाषा में कहे तो घो नाम का एक जानवर होता है। इसकी खासियत ये होती है कि ये चिपक जाता है। किले में घुसने में तानाजी ने इसी जानवर की मदद ली थी। उदयभान और तानाजी की सेना में घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि लड़ते लड़ते तानाजी की ढाल टूट गई और उनकी मौत हो गई, लेकिन मराठों ने मुगलों से वो किला हथिया लिया। सैनिकों के वापस आने पर छत्रपति शिवाजी ने मराठी भाषा में एक लाइन कही थी, गढ़ आला पड़ सिंह गेला। इसका मतलब हुआ कि किला वो जीत लिया लेकिन शेर मारा गया। इसके बाद से जीते हुए किले का नाम कोंकड़ा से बदल कर तानाजी के नाम पर सिंहगढ़ कर दिया गया। सिंहगढ़ का मतलब होता है शेर दिल। बस इतनी सी कहानी है इनकी। फिल्म का बजट करीब 150 करोड़ रुपए रखा गया है। फिल्म में बीएफएक्स का भी बहुत सारा काम होने वाला है। ये घोर पर जो फिल्म में दीवार चढ़ेगा वो बीएफएक्स की मदद से बनाया जाएगा, और ये सब अजय देवगन की खुद की बीएफएक्स कंपनी ही करेगी। फिल्म के ज्यादातर हिस्सों में तानाजी और उदयभान का ही किरदार दिखेगा और थोड़े समय के लिए छत्रपति शिवाजी का। फिल्म में तानाजी का रोल तो अजय देवगन खुद कर रहे हैं। उनकी पत्नी के कैरेक्टर में दिखेंगी उनकी रियल लाइफ वाइफ काजोल। उदयभान के रोल के लिए कास्ट किया गया है एलओसी, कारगिल, कच्चे धागे, ओंकारा जैसी फिल्मों में अजय के साथ काम कर चुके सैफ अली खान को। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे ओम राउत। ओम राउत ने पहली फिल्म मराठी भाषा में लोकमान बाल गंगाधर तिलक की थी, और तानाजी द अनसंग वॉरियर इनकी दूसरी फिल्म होगी। इसके अलावा ओम 2010 में आई महेश मांजरेकर डायरेक्ट फिल्म लाल बाग परेल और 2011 में आई विक्रम भट्ट की हॉन्टेड 3D से भी बतौर प्रोड्यूसर जुड़े रह चुके हैं, और इस फिल्म की रिलीज डेट 25 सितंबर 2019 बताई जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके ये बताइए ये फिल्म भारत की सबसे बड़ी फिल्म कैसे बनेगी।